डलमऊ नगरी। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, डलमऊ घाट के, जो कि एक प्रसिद्ध घाट है रायबरेली जिले का। आज हम आपको दिखाने वाले हैं, साथ में उसके पुल भी दिखाएंगे, जो कि गंगा का खूबसूरत पुल बना हुआ है। और यहाँ से मुरई के बाद की कितनी दूरी है, कितना टाइम लगता है गंगा घाट पहुँचने में, सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रायबरेली ब्लॉगर। मैं आप सबका दोस्त, इस चैनल का होस्ट, जी हाँ, फिर से हाजिर आप सभी के बीच में एक शानदार वीडियो के साथ। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देकर, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो आप सभी देख रहे हैं, ये है स्नान घाट। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। इसी के जस्ट उस साइड में आप सभी को शमशान घाट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, जो लोग यहाँ पर शमशान में आते हैं, उसके बाद इस साइड में आकर अपना स्नान करते हैं। तो देख सकते हैं गंगा काफ़ी भरी हुई, पुल भी काफ़ी खूबसूरत है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं हम मेन मुरई के बाग की तरफ। तो अभी आपने पीछे देखा, आपको वाहिनी नज़र आ रही होगी, जो कि गवर्नमेंट की है। और यहाँ से मुरई के बाग की दूरी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की। तो देख सकते हैं आप, यहाँ का रास्ता जो है बिल्कुल सुनसान रास्ता है एकदम। अब हम आ चुके हैं मुरई के पार्क के पास। जैसे कि आप सभी को सामने एक तिराहा नजर आ रहा होगा, आप सभी को बता दूं यहाँ पर एक चौराहा और एक तिराहा देखने को मिल जाएगा। अगर हम तिराहे से पकड़ कर जाएंगे इस रास्ते को, तो हम सीधा पुल के पास अटेंगे। अगर हम चौराहे वाले रास्ते से जाएंगे तो सीधा हम एक VIP घाट है वहां पर पहुंचेंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, तिराहे पर आप सभी को 2 रास्ते नजर आ रहे होंगे। ये रास्ता जिधर तीर का निशान बना हुआ, ये रास्ता ऊंचा हार की तरफ जाता है, और इस रास्ते का इस्तेमाल करके हम लालगंज की तरफ जा सकते हैं। तो आइए आप सभी को लेकर चलते हैं मेन चौराहे की तरफ, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आप सभी को डलमऊ की खास बातें बता दूं, आप सभी को डलमऊ में गंगा का पुल देखने को मिल जाएगा, साथ में यहीं पर आप सभी को राजा दलदेव का किला देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी प्राचीन है। और यहीं पर आप सभी को पंप नहर देखने को मिल जाएगा, जो कि यहीं से पानी का सप्लाई किया जाता है, जो कि लाखों बीघे की किसानों की खेती को सींचने के काम आता है। तो आप सभी को बता दूं, डलमऊ एक काफी प्रसिद्ध क्षेत्र है हमारे रायबरेली जिले का, जो कि सरेनी विधानसभा के अंतर्गत आता है। तो जैसे देख सकते हैं आप सभी को सामने चौराहा नजर आ रहा होगा। जी हाँ, जिस चौराहे के हम बारे में बात कर रहे थे, आप सभी को बता दूं इस चौराहे से आप सभी को सारी सड़कें मिल जाएंगी। अगर आपको रायबरेली जाना है, लालगंज जाना है, डलमऊ किला की तरफ जाना है, या फिर आप सभी को मुरई के बाग में किधर भी जाना हो। जैसा कि आप सभी को सामने रेलवे क्रॉसिंग नजर आ रही होगी। जी हाँ, आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी है, जो कि डलमऊ के नाम से है। इधर आप सभी को नजर आ रहा होगा तीर का निशान, इधर ही साइड में यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, जो कि सामने है, ज़्यादा दूर पर नहीं, लगभग 200 या 300 मीटर की दूरी पर होगा। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा स्टेशन है। और आप सभी को बता दूं, यही रास्ता है जो सीधा रायबरेली की तरफ गया है। आइए हम आप सभी को एक रास्ता और दिखाते हैं, जो यहाँ से जगतपुर होते हुए सलवन की तरफ गया। तो आइए आप सभी को उस रास्ते पर हम आपको लेकर चलते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम आ चुके हैं वही रास्ते की तरफ, जो कि मैंने बताया सलवन की तरफ जाता है। जी हाँ, ये सीधा रास्ता सलवन की तरफ जाता है। तो आप इस रास्ते का इस्तेमाल करके सलवन की तरफ जा सकते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर यहाँ तक आपने देख ली तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट कर दिया करो। आपके कमेंट से हमको काफ़ी अच्छा लगता है और हौसला मिलता है। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताया करो, क्योंकि हम सुधार करेंगे वीडियो और बेहतर बनाने के। तो वीडियो शेयर भी किया करो, बाकी आप वीडियो देखते रहें, इन्जॉय लेते रहें। बाकी जब तक के लिए जय हिंद।